सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे सभी ने बता दिया है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है और आज हम यहाँ पे इस उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए, सभी को पता है। तो इसके बारे में ज्यादा बातें न करते हुए मैं थोड़ी सी अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब हम छोटे बच्चे थे, मतलब ज्यादा छोटे नहीं, जब पढ़ते थे आपकी तरह, तो जब घर से बाहर निकलते थे, कभी सामने अगर कोई टीचर दिख जाता था तो अपना रास्ता बदल लेते थे। वो कुछ ऐसा था कि कुछ रिस्पेक्ट था और कुछ भय था, लेकिन भय से ज्यादा वहां पर रिस्पेक्ट ज्यादा थी कि कहीं टीचर मुझे देख लेगा और कल पूछेगा कि गली में क्या कर रहा था, तो मेरे पास जवाब क्या होगा। लेकिन आज का जो जनरेशन अगर हम देखते हैं तो उस जनरेशन में हमें ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। बच्चे जिस प्रकार से चलते हैं, बोलते हैं, जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज होता है वो अपना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, शिक्षक दिवस मनाना भी चाहिए क्योंकि ये शिक्षक के मान सम्मान के लिए होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हर एक स्टूडेंट के जीवन में एवरीडे इज अ टीचर्स डे, प्रत्येक दिवस टीचर दिवस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें सिखाने वाले बहुत हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, हमारे घर में मम्मी पापा से लेकर हमारे अध्यापकों तक, हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सुबह जब हम उठते हैं, सुबह उठते हुए उठने के सेकंड से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है जो सिखाता है वो वक्त होता है, वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। अगर हम वक्त के साथ चलेंगे और वक्त के अनुसार पढ़ेंगे, वक्त के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे और जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करेंगे। आप सभी को बस इतना ही करना है कि पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखें, नकारात्मकता को स्थान ना दें। जितना हम सकारात्मक रहेंगे हमारे परिणाम उतने सकारात्मक रहेंगे। सकारात्मकता के साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, सिंपलिटी, शालीनता, सरलता जिसे हम कहते हैं, बहुत आवश्यक होती है जीवन। बाहरी दिखावा न होकर शालीनता और सरलता अगर हमारे जीवन में होगी और उसके साथ हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो परिणाम तो अव्वल दर्जे के अपने आप आ जाएंगे। देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कलेक्टिंग हियर।